हरिद्वार में 11 फरवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के दूसरे चरण से पहले ही रेलवे ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुरादाबाद रेल मंडल के प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जो कुशरती मार्केट है वहाँ पर एक बड़ा गेट बनाया गया है। हरिद्वार स्टेशन के लिए वहाँ स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट जो है बहुत ही स्पेसिफाइड कर दी गई है। दूसरे चरण के लिए जो भी यात्री हरिद्वार आएंगे वो कुशरती मार्केट से स्टेशन में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर इनक्लोजर बनाए गए हैं, यात्री बेड़े बनाए गए हैं। पहले वहाँ यात्री को होल्ड कराया जाएगा, उसके बाद प्लेटफार्म से जैसे जैसे यात्रियों की ट्रेनें आएंगी उस हिसाब से यात्रियों को ले जाया जाएगा। साथ ही अपील की गई कि यात्री का जो भी प्रस्थान का समय है उस समय से केवल 2 घंटे पहले स्टेशन परिसर में प्रवेश करें। इसके साथ ही अगर श्रद्धालु बहुत पहले आ जाते हैं तो उससे भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। स्टेशन परिसर में कोई भी वाहन नहीं आएगा, जो भी वाहन आ रहे हैं वह बाहरी लोगों को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सभी यात्री पैदल स्टेशन परिसर में कुशरती मार्केट के एंट्री गेट द्वारा प्रवेश करेंगे। साथ ही यात्रियों से अपील की गई पहले से रिजर्व यात्री ही स्टेशन में आएं, किसी तरह के अन्य रिजर्व टिकट की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में जाना चाहते हैं उनकी RT-PCR रिपोर्ट पहले 72 घंटे पहले ही मान्य होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल रिजर्व टिकट के लिए ही ट्रेन चलाई जा रही है। महाकुंभ का दूसरा चरण 11 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसके बाद 16 फरवरी और 27 फरवरी को भी इसी तरह के COVID-19 का पालन करके रेलवे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाएगा। इसके साथ ही सीनियर DCM रेखा शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी SOP का सख्ती से पालन कराया जाएगा। महाकुंभ का दूसरा चरण 11 फरवरी कल से आरंभ होने वाला है। फरवरी में हमारी 3 डेट्स हैं कुंभ की, 11 फरवरी है, 16 फरवरी और 27 फरवरी है। इसमें हमने जो SOP है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ वहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं अपने स्टेशंस पे जो कुंभ से रिलेटेड हैं, ताकि सभी यात्रियों को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसमें जो हम लोग निर्देश निकाल रहे हैं और आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसारित करें। इसमें पहला तो ये है कि जो पुरुषार्थी मार्केट है वहाँ पर एक बड़ा एंट्री गेट बनाया गया है हरिद्वार स्टेशन के लिए। हरिद्वार स्टेशन पे एंट्री और एग्ज़िट जो है बहुत ही स्पेसिफाइड कर दी गई हैं इस दूसरे चरण के लिए। तो जो भी यात्री आएंगे वो पुरुषार्थी मार्केट से स्टेशन में परिसर में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर एनक्लोजर्स बनाए गए हैं, यात्री जो हैं बाड़े बनाए गए हैं। पहले वहाँ पर यात्रियों को हम लोग होल्ड करेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जो है जैसे जैसे उनकी ट्रेनें आएंगी उस हिसाब से उनको ले जाया जाएगा। दूसरा ये किया गया है कि जो भी यात्री अपना प्रस्थान समय है जो भी गाड़ी का, उसके केवल 2 घंटे पहले ही स्टेशन परिसर में आए, क्योंकि बहुत पहले अगर आ जाते हैं तो उससे भीड़ बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके अलावा हमने ये किया गया है कि स्टेशन परिसर में कोई भी वाहन नहीं आएगा, जो भी वाहन आ रहे हैं वो बाहर ही लोगों को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद यात्री जो है पैदल स्टेशन परिसर में पुरुषार्थी मार्केट के एंट्री गेट द्वारा जो है प्रवेश करेंगे। इसके अलावा बहुत मैं ये अपील करना चाहती हूँ सभी यात्रियों से कि केवल स्टेशन जो परिसर में केवल रिजर्व्ड पैसेंजर्स ही आएँ, किसी तरीके का अनरिजर्व्ड अभी टिकटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, केवल रिजर्व्ड पैसेंजर्स के लिए ही ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो कोविड की प्रोटोकॉल जितनी भी गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं उनका पालन ज़रूर सुनिश्चित करें। जैसे कि कुछ गाइडलाइंस हम लोग बहुत टाइम से इनका प्रचार करा रहे हैं कि RT-PCR की रिपोर्ट जो है 72 आवर्स पुरानी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और मास्क लगा के आएँ। ये सारे जो भी गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं इनका ज़रूर वो लोग सुनिश्चित करें। श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार और आसपास के जितने भी स्टेशन हैं कुंभ से रिलेटेड हुए वहाँ पर व्यापक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारा जो ज्वालापुर स्टेशन है हरिद्वार के नेक्स्ट जो स्टेशन है वहाँ पर 2 FOB बनाए गए हैं, प्लेटफॉर्म रेजिंग का काम किया गया है, एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसी तरीके से जो हमारा पुराना ऋषिकेश स्टेशन है उस पर एक FOB बनाया गया है, वहाँ भी यात्री आश्रय बनाए जा रहे हैं, एनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं जिनमें यात्रियों को होल्ड किया जाएगा। पानी की व्यवस्था की जा रही है स्टेशनों पे,
पोर्टेबल टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं और कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि यात्री जो हैं उनको पता रहे कि प्लेटफॉर्म पे कौन सा कोच कहाँ पर आ रहा है। ट्रेन इंडिकेटर्स लगा रहे हैं और डिस्प्ले सिस्टम लगाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा जो है कंट्रोल बनाया गया है हरिद्वार स्टेशन पे, जिससे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम है, जिससे सारे स्टेशंस पे कंट्रोल एक निगरानी रखी जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, गेट्स पे भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से योग नगरी स्टेशन, जो हमारा एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, उसको भी चालू कर दिया गया है, जिसपे 5 पेयर जो हैं ट्रेनें अभी चल रही हैं, वहाँ पर भी वो यात्री सुविधाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है।